चलो दोस्तों, आपके बारे में बात करते हैं। आप में से काफी भाइयों दोस्तों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा डाउट भी समय समय पे आप क्लिक करें, तो इसलिए हमारे सेशन का ये सेकंड वीडियो है। तो आप में से एक भाई का एक दोस्त का मुझे कमेंट आया है कि सर मैं 2 से ज्यादा पुलअप्स नहीं मार पाता हूं, तो कैसे मैं अपने पुलअप्स इंप्रूव करूं। देखिए, जब आप स्टार्टिंग करते हैं तो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है, क्योंकि मैं एक्स एएनओ जेडब्ल्यू केयर टेकर रह चुका हूं एनसीसी में, जो कि आप मेरी फोटो देख सकते हैं। मेरे 30 से 40 बच्चों को मैंने ट्रेन किया है। तो आपको कैसे अपने पुलअप्स इंप्रूव करने हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कैसे आप अपने पुलअप्स डायरेक्टली इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, 10 पुलअप्स आप जल्द से जल्द कैसे मार सकते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं। ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, जो कि आपको इजिली कनेक्ट हो पाए। अगर आपसे 2 ही पुलअप्स लग रहे हैं, इसका मीन्स आपकी जो लिमिट है 2 ही पुलअप्स की है। अभी इस लिमिट को एक तो आप खुद से पुश कर सकते हो, या फिर आपको दोस्त का सहारा लेना है जो आपको लिटिल बिट आपको पुश करें, जो कि उसकी सहायता से आप 2 या 3 या 4 पुलअप्स एक्स्ट्रा मार पाओ। थोड़ा सा वो आपको लिटिल बिट पुश करे, जो कि अभी 2 मार रहे हो, तो आप उसकी सहायता से 7-8 तक पहुंचो या 6 तक आप पहुंचो। ऐसा करने से आपको धीरे धीरे यही कंटिन्यू प्रोसेस 5 से 7 दिन या 10 दिन आपको दोहराना है, और धीरे धीरे उसको बोलना है कि मैं जब तक 3रा पुलअप्स मारूं उसके बाद मुझे छोड़ देना, 4था पुलअप्स मैं खुद से मारूं, जब मैं अटकू, जब मैं थक जाऊं, तो टोटली मुझे आप पुश करो, थोड़ा सा मुझे पीछे से पुश करो पैरों से, जो कि मैं अपने टास्क कंप्लीट कर पाऊं। अभी पुश कहां से करवाना है वो भी बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप कमर से पुश करवा रहे हो तो वो रॉन्ग है। जो भी दोस्त आपका आपकी हेल्प करेगा वो आपको पैरों से आपको हेल्प करे, पैर से पुश करें। इससे क्या है कि आपके जो आर्म्स हैं उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा और आप खुद से धीरे धीरे इंप्रूव कर पाओगे। अगर आप खुद से धीरे धीरे पुश कर सकते हो तो वही टास्क बार बार दोहराओ। 2 पुलअप्स मार के 10-15-20 मिनट का रेस्ट लो, फिर से 2 पुलअप्स मारो, 10-5 मिनट का रेस्ट लो। जो रिपीटेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपको एक टास्क 3 बार करना होता है, सेम टास्क 3 बार रिपीट करना होता है, वही टास्क आप फिर से रिपीट करते रहोगे तो आपको इंप्रूवमेंट देखते को मिलेगी, और आपकी जो पुलअप्स कम मार पा रहे हैं, 2 मार पा रहे हैं 1 मार पा रहे हैं, वो जल्द ही इंप्रूव हो जाएगा। यह था सिंपल सा प्रोसेस, जो कि सभी बच्चे ऐसे ही पुलअप्स उनके इंप्रूव होते हैं। या तो आप खुद से पुश करो या फिर किसी दोस्त को लेकर सहारा लेकर पुश करो, और वही टास्क 2-3 बार रिपीट करते रहो। ये एक इजी प्रोसेस है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।